धनुष कोड़ी बीच से वापस आके हम लोग दो दो घंटा सो गए, सो के उठ के फ्रेश होके अभी जा रहे हैं पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज में 5:15 को ना, 5:15 मालूम नहीं कितने बजे है। हाँ तो 5 से 5:15 के बीच में वो ट्रेन आता है। कहाँ से आता है? चेन्नई से आता है रामेश्वरम के लिए। वो पंबन ब्रिज क्रॉस करता है तभी, तो वही देखने के लिए अभी जा रहे हैं। मतलब 2 घंटा हम लोग ऐसे ही आगे सो गए। इनका बाल इतना स्टिकी हो गया था, इवन मेरा भी हो गया था। मैं तो हेयर वॉश इतना जल्दी नहीं कर सकती। इन्होंने एक बार नहा भी लिया। चलो अभी पंबन ब्रिज चलते हैं। आ गया पंबन ब्रिज जो रामेश्वरम आइलैंड को इंडियन मेनलैंड से ज्वाइन करने वाला है। पंबन इज अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। ये ब्रिज दिखाती हूँ उतर के। देखिए पंबन ब्रिज में सनसेट कितना सुंदर दिख रहा है। बट हाँ ये अभी कि यहाँ पे अभी ट्रेन और आ नहीं रहा है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और ये पता नहीं कब से चालू होगा, लेकिन हाँ बहुत सुंदर है ये जगह। चलो बाय बाय पंबन ब्रिज, दोनों फिर कब मिलेंगे। बट हाँ बहुत सुंदर है, जाने के टाइम। हाँ कल जाने के टाइम मिलेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर है यार। देखो ये पहला वाला जो ब्रिज है ना, ये पुराना वाला ब्रिज है, और अभी ये नया वाला बन रहा है। आई थिंक ये नया वाला कंप्लीट हो जाए तो सारा ट्रांसपोर्ट वहाँ से होगा, फिर पुराने वाले का ये लोग मरम्मत चालू करेंगे। बट हाँ ये जगह बहुत सुंदर है। ये देखो बाय, ये हमारी गाड़ी है और ये हमारे सर है और हम अभी जा रहे हैं। चलो ये विवेकानंद मेमोरियल कितना सुंदर प्लेस है। सुंदर जगह है ये। हम लोग कुल्लू मलाई बीच में आए थे। ये ज्यादातर बोटिंग का ही मतलब एरिया है फिशिंग के लिए। इतना पानी, पानी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। गाड़ी लेके घुस गए, गाड़ी लेके हम लोग इस रोड पे घुस गए। आई थिंक ये उसी के लिए बनाया गया है, विजिटिंग पर्पस। ये क्या है, ये मच्छी पकड़ के इधर। हाँ ये पे मच्छी पकड़ के यहाँ से आप टर्न कर सकते हो। ये एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर बोलते हैं ना। ये देखो कितना सुंदर एरिया है, नीट एंड क्लीन। एकदम नीचे पानी है। हाँ आप पानी में जा नहीं सकते, पर यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा शांति से आप सोच सकते हो जिंदगी है क्या। ये जगह इतना सुंदर है, मिनी मॉल्डीव्स है हमारा, ज्यादा डेवलप्ड है नहीं। बट अगर ये वाला बस आप देखोगे मछुआरों का एरिया है। यहाँ पे ज्यादातर देखोगे फिशिंग बोट्स है और वहाँ से मच्छी लाके वो लोग शुरू करते हैं। और अच्छी बात है पब्लिक के लिए अलाउड है और बहुत साफ सुथरा है। ये हम लोग रुके हैं दिल्ली फूड प्लाजा में। ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम जी का मेमोरियल है, उससे थोड़ा आगे आने के बाद आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है डोसा, एक नॉर्थ इंडियन थाली सेफ स्पेशल और एक छोले भटूरे। तो खाना देख के तो अच्छा लग रहा है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है। बट आई थिंक ये प्रोजेक्ट जब बना थोड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, या तो स्टार्टिंग फेज में है। बट हाँ फूड इज़ लुकिंग गुड। खाना पीना खत्म हो चुका है, खाना अच्छा था, और उसी के साथ ही हम करते हैं आज का ब्लॉग की समाप्ति।
फिर मिलेंगे कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.